देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान को लोग किस तरह से पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। लोग गंदगी में रहने को मजबूर हैं, लेकिन प्रशासन है कि हाथ पर हाथ रख के बैठा है। ये नजारा है साजन सिनेमा के पास अंबे बिहार कॉलोनी का। कॉलोनी के लोगों का आरोप है कि कई दिन पहले नगर पालिका का नाला टूटने से उस नाले का गंदा पानी कॉलोनी में भर गया था, जिससे महामारी फैलने का खतरा बढ़ गया है। जी, क्या नाम आपका? अनिल राजपूत बोल रहा हूँ। अच्छा, ये जो नगर पालिका नाला टूटने के बाद गंदा पानी कॉलोनी में आ रहा है, ये हम आपसे नहीं 3 साल से देख रहे हैं। कंटिन्यू कंप्लेंट भी कर रहे हैं DM, STM, सरकारी महकमा ऐसा कौन छोटा जहां हमने कंप्लेंट ना की हो। इवन विधायक से कंप्लेंट कर दी, बट यहां कोई सुनवाई नहीं। एक तरह से आज की डेट में ये कंडीशन हो चुकी है कि कोई परिवार का आदमी घर से बाहर निकल नहीं सकता। कोई सब्जी पानी दूध लेने जाए तो उसको लाने भारी पड़ जाता है आज की डेट में। वो तुम आज कंडीशन देख लो, जो कंडीशन यहाँ आज की डेट में ही, ये आज से 3 साल तक चल रही है कंटिन्यू। हमने बहुत कोशिश करी, पर जब हम थक गए तो इसलिए हमने आपको इसे इंतला करा। इससे पहले हमने आपको भी इतना नहीं किया था, पर आज की डेट में ये कंडीशन हो चुकी है कि हम घर से निकलने भारी पड़ गए और कम से कम 2-2 फीट पानी घर के सामने खड़ा हुआ आज की डेट में। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम सीमा है। अच्छा, आपकी कॉलोनी में गंदा पानी भरा हुआ, किस तरह की समस्या आ रही है आपके सामने? समस्या रोज निकलने की, सब्जी लाने की, हर तरह की प्रॉब्लम है। बच्चे पढ़ने जाते हैं उसकी प्रॉब्लम है, सब तरह की प्रॉब्लम आ रही है। हमें निकल नहीं पाते। छोटे छोटे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, बीमारी फैल रही है, खार खुजली इस तरह की बीमारी है, बुखार खूब फैल रहा है। बताइए क्या करें? क्या आपने शिकायत नहीं की? शिकायत सब जगह शिकायत हो चुकी है। फिर क्या हुआ शिकायत के बाद? शिकायत के बाद क्या होगा? शिकायत में कोई सुनवाई नहीं करते, आके देख के चले जाते हैं सब। बताइए क्या करा जाए? इतने दिन हो गए, हमारे पैसे वापस दिलवाइए। जो हमने पैसे लगाया है इसमें, इसको निरस्त कर दिया जाए। गंदे पानी में निकलने से चरम रोग की शिकायत भी हो रही है। DM और SDM नगर पालिका से कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि इस गंदे पानी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है और बीमारी फैलने लगी है, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी। यूपी क्राइम न्यूज के लिए संवाददाता सलीम अहमद की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।